नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सितंबर अक्टूबर महीना के आते ही बिहार में बड़ी धूमधाम से मनाए जाने वाले त्योहारों का आगमन भी शुरू हो जाता है। ये त्योहार ऐसे हैं जिनका इंतजार सिर्फ नन्हे मुन्ने ही नहीं बल्कि बड़े बुजुर्ग भी करते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इस दौरान परिवार के सभी सदस्य एक ही छत के नीचे जुटते हैं और सम्मिलित रूप से पर्व को मनाते हैं। एक और खास वजह यह भी होती है कि बिहार से बाहर रह रहे लोग लंबे समय के बाद साल में यह मौका मिस नहीं करते और अपने अपने घर लौटते हैं। ऐसे में बहुत से लोगों को यह भी जानना होता है कि कौन सा पर्व किस तारीख को और किस दिन होने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको बिहार में मनाए जाने वाले बड़े त्योहार और उनकी तारीख, समय, सब कुछ के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस साल 2021 में मनाई जानी है। बताते चले कि यह साल खत्म होने में महज 3 महीने के करीब समय बाकी है, जिसमें से 2 महीना अक्टूबर और नवंबर कई बड़े पर्व त्योहारों में ही बीतने वाला है। इन त्योहारों की फहरिस्त भले ही छोटी है लेकिन ये त्योहार लंबे बीतते हैं। इनमें सबसे पहला नाम दुर्गा पूजा का आता है। अश्विन महीने में नवरात्रि शुरू होते ही दुर्गा पूजा का जश्न भी शुरू हो जाता है। इसके बाद शरद पूर्णिमा मनाई जाती है, जिसके बाद ही पवित्र कार्तिक महीना शुरू हो जाता है और इसके शुरू हो जाने के साथ ही सबसे पहले सुहागिनों का त्योहार करवा चौथ मनाया जाता है। इसके कुछ दिनों के बाद दिवाली के वो खास 3 दिन शुरू हो जाते हैं, वो है धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दीपावली। लक्ष्मी पूजन के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। इसके ही अगले दिन भाई बहन के प्रेम का पावन त्योहार भाई दूज मनाया जाता है और फिर उसके बाद शुरू हो जाता है लोक आस्था का महान पर्व 4 दिवसीय छठ पर्व। पर्व त्योहार का यह सिलसिला बिहार में यही नहीं रुकता है, क्योंकि देव उठान एकादशी को भी अपने बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह सम्पन्न किया जाता है। सबसे आखिरी में कार्तिक पूर्णिमा आती है, जिसके बाद से ही त्योहारों का सिलसिला थमता है। ऐसे में अब हम आपको इन सभी त्योहारों के दिन और तारीख बताते हैं कि ये कब कब आ रहे हैं। बात करेंगे बिहार में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाली दुर्गा पूजा की। अष्टमी पूजा से दुर्गा पूजा मेले की शुरुआत हो जाती है। इस साल 2021 में दुर्गा महाअष्टमी 13 अक्टूबर दिन बुधवार को है। महानवमी पूजा 14 अक्टूबर गुरुवार को पड़ रहा है और दसवीं यानी कि दशहरा 15 अक्टूबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। इसी के साथ दुर्गा पूजा की समाप्ति हो जाएगी। इसके बाद शरद पूर्णिमा आएगी जो कि 19 अक्टूबर मंगलवार को मनाई जाएगी। माना जाता है कि इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला रचाई थी। इस दिन खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रखने और उसे प्रसाद के रूप में खाने का भी रिवाज है। इसी के साथ कार्तिक महीने की शुरुआत हो जाती है जो कि देव महीना भी कहलाता है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि 18 अक्टूबर 2021 की शाम से लेकर 19 अक्टूबर 2021 की शाम के दौरान इस्लाम धर्म का पवित्र पर्व ईद मिलाद उन नबी भी मनाया जाएगा। इस दिन ही हजरत मोहम्मद पैगंबर का जन्मदिन होता है, जिसे मुस्लिम भाई बहन हर्षोल्लास के साथ चांद की तारीख के मुताबिक हर साल मनाते हैं। फिर 24 अक्टूबर रविवार को करवा चौथ मनाया जाएगा, जो कि सुहागिन महिलाओं के बीच काफी प्रचलित है। इसके बाद 3 दिनों का दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। इस बार धनतेरस 2 नवंबर मंगलवार को है, छोटी दिवाली 3 नवंबर बुधवार को है और बड़ी दिवाली यानी कि लक्ष्मी पूजन 4 नवंबर दिन गुरुवार को मनाया जाता है और बड़ी दिवाली यानी कि लक्ष्मी पूजन 4 नवंबर दिन गुरुवार को मनाया जाना है। इसके अगले दिन 5 नवंबर शुक्रवार को गोवर्धन पूजा है और 6 नवंबर शनिवार को भाई दूज मनाया जाएगा। इसके बाद 4 दिनों का बिहार का सबसे फेमस त्योहार लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा शुरू हो जाएगा। पहला दिन नहाए खाए 7 नवंबर रविवार को है। दूसरा दिन खरना पूजा 8 नवंबर सोमवार को है। तीसरा दिन सांझ अर्घ्य का है जो कि 9 नवंबर दिन मंगलवार को है और छठ पूजा का आखिरी दिन भोर अर्घ्य 10 नवंबर को है जो कि दिन बुधवार को पड़ रहा है। इसके बाद सभी बड़े बड़े त्योहार समाप्त हो जाते हैं। इस बार देव उठान एकादशी 14 नवंबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन तुलसी विवाह भी होगा
और कार्तिक महीने का समापन 19 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को हो जाएगा। इस दिन गंगा स्नान करना बहुत प्रचलित है। आप इन सभी पर्व त्योहारों में से किस पर्व को पसंद करते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके साथ ही आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।